मित्रों, मैं हूं प्रोफेसर डॉक्टर मनोज कलंत्री ईशान सिंहपुरियम से। आज मैं आपके साथ एक बड़े महत्वपूर्ण विषय पर बात करना चाहता हूं, वास्तु शास्त्र से निगड़ित। ये महत्वपूर्ण विषय क्या चीज के बारे में है? आज की तारीख में मैंने बहुत सारे पंडितों को, बहुत सारे गुरुजी को, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स, न्यूमरोलॉजिस्ट, पामिस्ट, इन लोगों को देखा है क्लाइंट्स को कहते हुए कि आपने किसी भी प्रकार के पितरों के फोटो आपने न घर में न तो आपके व्यवसाय की जगह पे आपने रखने चाहिए। लोग इसे सही मानना भी शुरू कर दिए और ये फोटो निकालना भी शुरू कर दिए। क्या ये सही है? इसमें कोई वैदिक ग्रंथ, कोई पौराणिक ग्रंथ को जो माना गया है वास्तु शास्त्र में, ऐसा कोई उल्लेख है? मैं मतलब मंत्सारा भृगु संहिता विश्वकर्मा प्रकाश समारण सूत्रधार कामी का आगम मनुषालय चंद्रिका इतने सारे ग्रंथ मैंने पढ़ लिए, छान लिए और कोई भी ग्रंथ में ऐसा लिखा नहीं है कि आप पितरु के फोटो या पितरु के किसी भी प्रकार का चित्र आप अपने वास्तु में रख नहीं सकते हो। फिर ये पंडित जी और ये गुरु जी एक कौन से बेसिस पे, कौन से तथ्य या क्या लॉजिक है उनका ये कहने का? ये सरासर झूठ है। आप सोचिए, जिनके कारण आप इस पृथ्वी पे हो, इस धरती पे हो, आज जिस कारण से मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं, आप ये वीडियो देख रहे हो, जिन्होंने आपको पाला पोसा बड़ा किया, उसी को आप भूल गए? उसी को आप समझ रहे हो कि भूत प्रेत बन गया है, अभी ये इनऑस्पिशियस हो गया है? ये कभी संभव है? माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, ये हमारे हित में ही काम करते हैं, कभी भी किसी भी प्रकार की हानि हमें होनी ही नहीं देंगे। मेरा खुद का रोज की प्रार्थना में मैं पहले मेरे पितरों को नमस्कार करता हूँ, नमन करता हूँ, बाद में भगवानों को। भगवान जरूर बड़े हैं, लेकिन मैंने भगवानों को नहीं देखा है, मैंने मेरे पितरों को जरूर देखा है, उनके प्यार, उनके मोहब्बत मैंने महसूस की है। तो मित्रों, पितरों के जब भी फोटो रखने हैं, आप नैऋत्य कोण में रखेंगे, वो भी दक्षिण नैऋत्य में रखेंगे। जब आप उनको नमस्कार करेंगे, आप दक्षिण अभिमुख रहेंगे, बल्कि पितरों के फोटो जो रहेंगे उत्तर अभिमुख रहेंगे। अगर आपके वास्तु का नैऋत्य कोण कोई मास्टर बेडरूम रहा या कोई टॉयलेट, बाथरूम, वॉश एरिया ऐसा कुछ रहा, तो आप हॉल के या डाइनिंग रूम के, यानी कि कोई न्यूट्रल कमरे के नैऋत्य कोण में ये फोटो लगाएंगे। ये कम से कम जमीन से 6 फुट ऊंचे होने चाहिए और इसे जरूर लगाइए। अगर आपने इनको घर से बाहर किया है इनके किसी के कहने पे, तो इनको क्षमा याचना करके, माफी मांग के इनको वापस लाइए और वापस अपनी जगह स्थिर कीजिए। जो मैंने दिशा बताई है उसे आप जरूर रखिए ध्यान में, और घर के बाहर जाते समय, घर में अंदर आने के बाद आप इनको नमस्कार, दिल से प्रार्थना जरूर कीजिए। इससे ज्यादा फायदेमंद वास्तु का टिप मैं आपको दे नहीं सकता हूं। तो मित्रों, यही है वीडियो में समाप्त करना चाहता हूं। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, ये वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वंस अगेन। नमस्कार। शिवम कल्याणम।